रोमिल ने छोड़ा मालती देवी की तरफ बिल्कुल सही तीर, मालती देवी हुई घायल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुज अनुपमा ने धनतेरस वाले दिन रामलीला का सीन जो है प्रेजेंट किया, बहुत ही प्यारा सीन था, बहुत ही मैसेज ओरिएंटिंग था। और उसमें एंड कहां पे हुआ था आप सबको याद होगा, एंड में राम सीता दोनों थे और छोटी भी शायद आ गई थी, मुझे इतना याद नहीं है, बट मुझे इतना जरूर याद है कि रोमिल बजरंग बली की भूमिका में वहां पे थे और उनके चरणों में बैठे थे, जैसे पिक्चराइज किया गया था सीन को। तो अब जैसे रोमिल ने यह पोजीशन ली है बजरंग बली की, तो अब रोमिल वही फर्ज निभाता हुआ नजर आ रहा है। रोमिल की नजरों से कुछ भी छुपा नहीं है दोस्तों, उसने पहले दिन ही कह दिया था कि मैं बोलता नहीं हूं मगर मुझे पता सब कुछ होता है। अधिक से शुरू हुई थी ये बात, अब मालती देवी पे पहुंची है और आज जो रोमिल ने कहा है एकदम सही स्टिक कहा है और सीधा कहा है। तो बात करते हैं इसके ऊपर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डायलॉग था रोमिल का, तो शुरू करते हैं चर्चा। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो रोमिल भी बैठा है वहां पे और रोमिल ने ही बात की शुरुआत की, क्योंकि रोमिल अनुपमा को दिल से रिस्पेक्ट करता है, दिल से जानता है कि अनुपमा का हार्ट कितना क्लियर है। अनुपमा के दिल में अगर रोमिल के लिए प्यार आ सकता है, छोटी के लिए प्यार आ सकता है, जो भैरवी थी उसके लिए प्यार आ सकता है और बहुत सारे लोगों के लिए प्यार है, नफरत की तो गुंजाइश नहीं है अनुपमा में। तो ऐसी औरत को, ऐसी लेडी को अगर हम फॉलो करते हैं तो गलत क्या करते हैं, ये रोमिल का थॉट प्रोसेस है एक यंग जनरेशन का। जिस तरह अनुपमा ने रोमिल की प्रॉब्लम्स को समझा, उसको अपने ही तरीके से हैंडल किया, उसको समझाया, उसने समझा रोमिल ने, और आज वो अनुपमा के अलावा किसी की बात समझता नहीं है, इतना हमने देखा। तो क्यों ना वो अनुपमा के जो है साइड में, अनुपमा के सेना में भर्ती हो के क्यों ना अनुपमा की प्रोटेक्शन के लिए बात करें। वो समझ गया कि मालती देवी, जबकि अनुज ने कुछ भी कन्फ्रंट नहीं किया, मगर रोमिल सब समझ रहा था कि मालती देवी अनुपमा को क्यों ताने मार रही है। एक के बाद एक, एक के बाद एक मारती रही, मारती रही, मारती रही, और जब प्वाइंट आया अनुज ने, अनुपमा ने, दोनों ने ये क्लियर किया कि पति पत्नी का रिलेशन क्या होता है, बिना कहीं भी बातों को समझा जा सकता है अगर मैं नहीं पूछती, या जो भी अनुपमा ने कहा, हमने सीन देखा। और यहां पे मेन चीज क्या थी अनुपमा जो समझाना चाहती थी, कि मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करने से कोई कम नहीं होता है। जैसा उसने कहा कि अगर हम बैठे रहेंगे तो शरीर को भी जंग लग जाता है, और ऐसी एग्जाम्पल्स आपके इर्द गिर्द भी होंगी, जवान बूढ़े जो भी एज में है अगर कुछ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे शरीर भी साथ छोड़ना शुरू कर देता है। एक दिन आप थोड़ी सी दूर वॉक करेंगे, फिर आप थोड़ा और कम करेंगे, थोड़ा और कम करेंगे, तो एक दिन आप बैठ जाएंगे घर पे कि भाई दिल नहीं करता बाहर जाने को, बस यही ठीक है, यही खाना पीना मिल जाए तो मस्त है, बस टीवी देखने को मिल जाए, यही बैठे हैं आराम से, रिमोट हाथ में है, कोई भी चैनल देखो, कोई भी वेब सीरीज देखो, बड़ा आराम है भाई, बाहर जाके कौन धूप में मेहनत करे, तो वो हमारे लिए ही नुकसानदायक है। तो यही बात अनुपमा समझाना चाहती थी कि सम्मान करो, अगर आत्म सम्मान किसी का मरता है तो समझो इंसान ही मर जाता है, और आत्म सम्मान कभी बूढ़ा नहीं होता है, स्वाभिमान कभी बूढ़ा नहीं होता है, ये तो हम आपने सबने अपने पेरेंट्स से सीखा ही होगा। वही बात रोमिल ने नोटिस किया, मगर उसको पता था कि मालती देवी जैसे लोगों को यह बात ऐसे समझ में नहीं आएगी कि भाषण में या शिक्षा में समझाए, जैसे अनुपमा समझाती है तो समझ में आएंगी, मगर थोड़ा बहुत तो मालती देवी अनुपमा के उस भाषण में से समझ रही थी, मगर उसको लग रहा था कि अनुपमा मुझे सुना रही है, क्योंकि उसने पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया अपना अनुपमा के लिए। तो रोमिल ने यहां पर डायरेक्ट अटैक किया कि बेटे बहू की कमाई पे बैठना, या जो भी उसने कहा डायलॉग बड़ा अच्छा था कि बेटे बहू को लेके जो शुरू हुआ कि उनके भरोसे रहना या अपने आप कुछ नहीं करना, तो ये बड़ी बात थी जो मालती देवी को स्ट्राइक हुई, जबकि मालती देवी खुद करियर ओरिएंटेड औरत है और आज बेटे बहू के उसमें पड़ी हुई है कि मैं इनकी जायदाद प्रोटेक्ट करूंगी, ये सब करूंगी, और खुद वो काम कर सकती है, अच्छा खासा वो गुरुकुल छोड़ के आई है, तो अगर वो चाहे तो अब वापिस से गुरुकुल खड़ा कर सकती है।
मगर उसका ध्यान उस तरफ है ही नहीं। तो ये बरखा और पाखी के लिए भी था कि जो खाली बैठ के खाली प्लाव बनाती है, किसी की जो इनकम है उस पर नजर रखती है और उन्हीं की इनकम को उजाड़ती है, पैसे को ऐसे उड़ाती है जैसे उन्होंने कमाया हो, तो ये उनके लिए भी था। इसलिए उसने पहला शुरुआती रोमिल ने की कि मैं भी अपने पापा से अब जेब खर्ची नहीं लूंगा, खुद कमाऊंगा। तो ये बड़ी बात थी दोस्तों जिसको उसने एंड किया मालती देवी से। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि रोमिल जिस तरह अनुपमा को हर वक्त सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट बहुत ही अच्छी लग रही है। और फिलहाल के लिए जो डायरेक्ट सपोर्ट है वो रोमिल ही करता दिखाई दे रहा है। तो मुझे तो अच्छा लगा, बाकी आप भी बताइएगा आपको कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।